दुनिया क्या है, क्यों है, कैसी है, इन सारी चीजों के पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। लेकिन एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में जानना यह सबसे बड़ी हिस्ट्री है। आखिर तू करता क्या है? इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे इस शो पे। फैजू, तुझे पता है जिन लोगों को आज हम यहाँ बुलाने वाले हैं, तूने पहले कभी मिला ही नहीं होगा। तो बुलाना। बुला रही हूँ ना, ये दुनिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। कितने फॉलोवर्स हैं इनके? फॉलोअर्स से गिन नहीं पाते। क्यों, गिनती नहीं आती है क्या? एक्चुअली नहीं आती, ये है तो 5 पर खुद को बुलाते हैं टीम 07। 07 समझ गया मैं। तो आज मेरे भाई लोग आने वाले शो पे लग रहा है। तो लेट्स वेलकम टीम 07। कैसा भाई? और क्या चल रहा भाई लोग? बहुत दिन बाद मिला, गले तो मिल। हाय श्रद्धा। हाय। 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 कैसी है? मैं ठीक हूँ। हाय श्रद्धा, कब से बोला मैं फैसू को मिलाने के लिए? अबे फैसू मैं हूँ। ये खड़ा है फैसू। क्या है? फैसू मैं हूँ। बजाओ फैसू यार, तू जाके वीडियो बना। हाय फैसू। हाय। फैजू, ये सब हमारे गेस्ट हैं यार। इधर पे गेस्ट हैं और होस्ट सब अपनी हैं। आज से यही है अपना फैजू। यार भाई। हाँ। मैं फैजू हूँ यार, तू जाके वीडियो बना ना। तू फैजू है? हाँ। तो मैं कौन हूँ? तू यहीं पे रहे। अब ये हम लोग के साथ वीडियो बनाएगा। हाँ, तू यहीं पे रहे। अच्छा, तू फैजू है? हाँ। चल मैं ऐसा करके बता। यही फैसू है, ये अच्छा किया है। ये यहाँ मार खा गया, यहाँ मार खा गया। कोई नहीं, कल मेरी बारी। चल 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 चल। अच्छा फैसू है तुम लोग का। बाय श्रद्धा। श्रद्धा ये क्या हो रहा है? इधर आ यार। सो गाइस वेलकम। मैं कब से इसको बोल रही थी कि मैं टीम 07 से मिलना चाहती हूँ। फाइनली So, इसे अपना ही घर समझो, शर्माना मत। जो करे शर्म उसके फूटे करम। चलो कुछ मस्ती हस्ती करते फिर। करते ना, बोल ना क्या करेंगे। घोड़ा गाड़ी खेलते। घोड़ा गाड़ी क्या होता है? चलो वो अभी दिखा देते। चलो तो ठीक है, मैं हंटर लेके आती हूँ। तुम लोग घोड़ा गाड़ी खेलोगे? हाँ, मेरे को ही फंसा दिए लोग ने। लग रही है फंसा दिए अपने को। तीन बड़े घोड़े आ रहे पीछे से। तुम कहाँ चाबुक लेके घूम रही हो? तुझे तो मैं उधर से मारूंगी। चल चल चल। चलो घोड़े। ए भाई ना। टू थ्री। ए देखने को ख्याल आया दिल की बत्ती जलाने को क्या आया। तो मैं भी बोलूंगा। क्या बात है, लगता है कि तुझसे मेरा रिश्ता बड़ा पुराना है। लगता है कि तुझसे मेरा रिश्ता बड़ा पुराना है, तभी मेरे ख्वाबों में तेरा रोज का आना जाना है। क्या बात है। मेरे लिए बोल रहा है, मेरे से ज्यादा कुछ तो तू हो रहा है। तो वो पहली बार कोई लड़की को देख के बोल रहा है। ए, 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 मैं भी अभी तुम सब बोल रहे हो तो मैं भी थोड़ा मूड में। अर्ज किया है,
अदनान और हसनैन की शायरी 100% झूठ है. अदनान और हसनैन की शायरी 100% झूठ है. जल्दी कर, पनवेल निकलना है. मुझे लगता है शादान ना सबसे ज्यादा क्यूट है. सग्री बॉय बेबी, व्हाई यू डू दिस टू मी. अब चल वहां चला गया. अब ये तो बता दे तू करता क्या है. हम लोग डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स हैं. हम लोग वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं. पहले तो ऐसी मस्ती में करते थे हम लोग. हम लोग को खुद को अच्छा लगता था इसलिए करते थे. फिर करते करते जब लगने लगा कि हाँ लोग इन्फ्लुएंस होने लगे, जो हम लोग करते हैं उसको कॉपी करने लगे, तो फिर हम लोग कंटेंट के जरिए लोगों में पॉजिटिव मैसेज देने स्टार्ट कर दिए हम लोग. जैसे कि हम लोग ने एक हम लोग सॉन्ग किए थे, फ्रेंडशिप के ऊपर था, पर फ्रेंडशिप के साथ साथ वो सोशल कॉज के लिए भी था, नजर ना लग जाए. हमने एक मॉरल मैसेज के साथ आए थे कि हम लोग बताएंगे से नो टू ड्रग्स. तो हमने उस चीज को बनाया. और सबसे अच्छी बात ये है कि जब कॉलेज टाइम पे हम लोग जब वीडियोस बनाते थे तो हम लोग दूसरे के सॉन्ग पे बनाते थे. जो सॉन्ग ट्रेंडिंग होता था, जो चलता था ट्रेंडिंग में, उस चीज पे हम लोग वीडियोस बनाते थे. मगर आज एक ऐसा टाइम आ गया कि हम लोग का इतना अच्छा सॉन्ग आया एक मॉरल मैसेज के साथ में और लोग वो सॉन्ग पे वीडियो बना रहे. मतलब बहुत प्राउड फील होता है आज. जवाब देने का इतना शौक है. अब बता तू, व्हाट वाज योर डे लाइक? तू पूरे दिन में क्या करता था अपना? बता दे, बता दो, बता दो. ऐसा क्या करता था तू? सेल्समैन. जो कि मुझे बहुत गर्व है इस चीज का. बिल्कुल. कुछ 3-3.5 साल पहले की बात है. मेरा हिल रोड पे एक सेल्समैन शॉप था, तो मैं वहाँ काम करता था. वहाँ पे 50 पीस मिलते थे. तू उताब साहब क्या करते थे? मैं भी सेल्समैन था. तू भी सेल्समैन? मुझे ना एक दिन का 100 रुपया मिलता था. मैं डिलीवरी बॉय था. मैं 15 तक का कभी काम नहीं किया. मैं पढ़ता था. अच्छा. एक टेलीकॉम कंपनी में सेल्स प्रमोटर था मैं. कॉलेज शाम को खत्म होती थी 5-6 बजे. उसके बाद एक फ्रेंड की रेस्टोरेंट थी, वो रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होके 3 घंटा में सिम कार्ड बेचता था. आज हम जो ये बात कर रहे हैं ना, ये बात हमारे फैंस में ना 50% लोग को अभी तक नहीं पता है. तो आई रियली होप कि इस शो से सबको ये पता चले. अच्छा तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग सब में से नए वीडियोस और क्रिएटिव वीडियोस सबसे पहले बना के कौन डालते हैं? मैंने सच में सुना था, ये पढ़ा भी था कि हसनैन बेबी हमारा सबसे पहले डालता है. डालता है मगर सबसे लेट, क्योंकि वीआईपी वीडियो थोड़ा लेट आती है. वीआईपी वीडियो थोड़ा लेट आती है मगर वीआईपी वीडियो जो रहती है ना वो ड्रेसिंग में वीआईपी रहती है मगर कंटेंट कॉपी रहता है. तो हम लोग का कैसा है कि हम लोग रात भर जागते हैं 4 बजे तक 5 बजे तक और हम लोग रात भर कंटेंट ढूंढते के परेशान रहते कल क्या बनाएंगे भाई. टेंशन रहता है मतलब. और ये भाई साहब सो के आराम से उठते हैं सुबह के सब आईडी में क्या है. और हम लोग का हमेशा से यही रहता था कि मतलब हम जो बनाए वो यूनिक रहे. हम ऐसे कंटेंट बनाते थे जो लोग को पसंद आते थे. और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता था कि अगर हम कोई कंटेंट बना रहे ना तो हम वो ऐसे बनाते थे कि फैमिली देख सके. मैंने देखा तुम लोग बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो. तो मतलब सब जिम जाते हो? सब ऑल ऑफ यू पांचों पुशअप मारने आते हैं ना? सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा. चलो मारो, चलो चलो. ए भाई शर्ट उतार के. शर्ट तो तेरी उतारनी पड़ेगी ना बीबी. माशाल्लाह क्या बॉडी है. लेकिन अब पुशअप्स की बारी. Four, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 59, 60. No!
अदनान तूने इतनी अच्छी बॉडी बनाई है इसलिए मैं तेरे लिए बनाना लेकर आई हूँ. मैंने तुमसे कहा था ये मेरी तरफ से केले तुम्हारे लिए, केले ले लो. थैंक यू एक बार प्लीज अदनान के लिए, अदनान और शत्रु बेबी के लिए. तो तुम में से गर्लफ्रेंड किस किस की है? गर्लफ्रेंड फैज की है. फैज तो तू हाँ तो बोल, मेरी भी अभी हो सकती है. मतलब सीधा सीधा लाइन मारा जा रहा है यहाँ पे. क्या फायदा क्या इतना फेमस होने का, मतलब अगर तुम सिंगल ही घूम रहे हो इतना फेमस होके भी. समझाए लोगों में, समझते नहीं. फैज की गर्लफ्रेंड है ना शिफा. शिफा जो आपकी गर्लफ्रेंड है ये आपको मतलब त्रास देती है, परेशान करती है? हाँ थोड़ा थोड़ा होता है. थोड़ा थोड़ा मतलब हंसाती ज्यादा है कि रुलाती ज्यादा है, कैसे क्या लड़ाई? 60-40 है. 60 कौन सा है? ये गलत है. 60 क्या 40? मैंने बोल दिया ऐसा है, थोड़ा बहुत तराज दे. बोल दिया ऐसा है, थोड़ा बहुत तराज दे. शिफा इज इन द हाउस. अच्छा आप लोग ये बताओ कि कभी ऐसे शिफा के चक्कर में इसने कभी आपको झूठ बोला है कि यार? पूछना भी नहीं पड़ा मुझे सवाल पूरा. बहुत बार बोला. बहुत बार? हाँ बहुत बार. मैं ना तुम सबके राज बाहर निकालती हूँ, तुम सब रेडी हो? ठीक है शाम. तो वैसे ऐसी कोई बात बता जो तूने आज तक कभी शिफा को नहीं बताई है. मैं बताऊंगा. चल अभी बता. या तो सजा बिल्कुल बता. कान पकड़ के उठक बैठक करना पड़ेगा. कल एक मारा तो क्या हुआ? चल चल आ जा. बस गए हो तो बस गए. प्यार के लिए सच नहीं बोलेगा और ये उठक बैठक करेगा. इसने सीक्रेट नहीं बताया. बैठो बस. बताती हूँ बाद में मिलना. बाय 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 शिफा. शद्दू बेबी तुम बताओ फैजू और हसनैन में से सबसे ज्यादा खर्राटे किसके खतरनाक है? मेरा नाम नहीं लेना तो मारूंगा. चलो अभी कुछ मस्ती कराता हूँ अभी तुम लोगों. लैप तोड़ गेम खेलेंगे अपन. लैप तोड़? हाँ उसमें कैसा रहेगा कि बलून हम अपने पैर पे रखेंगे, दो जन की टीम बनेगी और जो दूसरी टीम रहेगी वो बलून फोड़ेगी. कम ऑन. टीम में बता देता हूँ, अदनान और शादान रहेंगे और तुम दोनों रहोगे. जल्दी ज़्यादा इधर फूटा है. तो अब हम सब मिलके केक काटेंगे, सेलिब्रेट करेंगे. केक बनाओ.